I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Jammu Kashmir or Haryana ka और एक एक से बराबर निकला इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बना लिया हरियाणा में बीजेपी फिर से वापस आ गई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब शपथ ले रहे थे तो उस समय की तस्वीरों ने इंडिया गठबंधन के एक नए एकजुटता के पैगाम को पूरे देश के सामने रखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मिलने और बातचीत करने के दृश्यों ने एक नए समीकरण और एक नए रसायन का संदेश दिया जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिला अखिलेश यादव ने अभी अपने बयानों में जिस बात की तरफ इशारा किया हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए कि जो इलेक्शन ऐसा था कि जहां पर बीजेपी हार रही थी हारते हुए चुनाव को वो जीत गए और क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है हरियाणा से सीख लेके मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीत हासिल होगी वह हरियाणा से सबक लेने और महाराष्ट्र में साथ लेने की तरफ जा रहा है जो इंडिया गठबंधन को मजबूती थी क्या इंडिया में अब एक नए तरीके से समीकरण बन करके बीजेपी की रणनीति को चुनौती देने का काम शुरू हो चुका है क्या जम्मू कश्मीर से आने वाले दृश्यों ने देश की राजनीति में विपक्षी दलों को और करीब लाया है कौन सा वो सबक है जिसका इशारा अखिलेश यादव तो हरियाणा से लेने की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में उसे अप्लाई करने की बात कर रहे हैं? क्या एक नया तालमेल अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर से बना लिया है इसका विश्लेषण आज के वीडियो में करेंगे स्वागत है आप सब का डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो फिलहाल यह दृश्य जो जम्मू कश्मीर से आए उस जम्मू कश्मीर से जिससे बहुत अरसे बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का एक बार फिर से स्थापित होता हुआ चेहरा देखा वर्तमान मौजूदा दुनिया भर में लोकतंत्र अपनी तमाम खामियों के साथ भी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका विकल्प किसी के पास नहीं है फिलहाल तक इसलिए जब भी किसी राज्य में जब भी किसी इलाके में जनता अपने नेता को वोट देकर चुने और अपना मुख्यमंत्री बनाए यह उस देश समाज और क्षेत्र के लिए बहुत मजबूत बात होती है पिछले कई दिनों में और खासकर पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इलाका रहा जो तनावग्रस्त रहा मुश्किलों में रहा विवादों में रहा और जम्मू कश्मीर के लोग परेशान रहे पिछले कुछ दिनों पहले धारा 370 में फेर बदल और 35A में फेरबदल और 35 ए में फेरबदल के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके बाद लंबे अरसे बाद कोर्ट में भी ये मामला गया कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपने कहा था कि जब हालात नियंत्रित हो जाएंगे तो वहां पर ये सब चुनाव की प्रक्रिया हम करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया करेंगे तो बस ये निर्देश आया कि भाई कितने साल लगेंगे वहां हालात नॉर्मल होने में हालांकि एक अलग विषय है कि वहां हालात कितने नॉर्मल हुए सरकारी पक्ष ये दिखाता है कि देखिए चुनाव कितना शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से हो गया खुशी की बात है लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि जम्मू कश्मीर में क्या आतंकवादी घटनाएं रुक गई क्या हमारे सेना के जवान शहीद होना बंद हो गए इस पर फिर से सोचना चाहिए इस देश को और जम्मू कश्मीर के पूरे हकीकत और सच्चाई को फिलहाल दृश्य यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का एक सहयोगी पार्टनर था हालांकि जिस जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारती है क्योंकि वो तालमेल समाजवादी पार्टी से नहीं हो पाता है लेकिन मोटे तौर पर इंडिया जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ता है हरियाणा में भी लड़ता है लेकिन हरियाणा में वो अलायंस भी उस तरह से मजबूत नहीं हो पाया और हरियाणा जीती हुई बाजी हार गया इंडिया अलायंस और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से पूर्ण बहुमत की स्पष्ट बहुमत की एक मजबूत सरकार बनी उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली लोगों का बधाइयों का तांता लगा रहा उमर अब्दुल्ला सबको बधाई देते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उमर अब्दुल्ला को बधाई दी तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए उनकी बात को साझा करते हुए धन्यवाद दिया और ये कहा कि हमें उम्मीद है केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल से आप सबके सहयोग से एक अच्छा राज्य चलेगा जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा और उसके साथ साथ केंद्र सरकार उन सारी प्रावधानों को जो केंद्र के हाथ में होता है बेहतर गवर्नेंस से लेकर के तमाम चीजों में ऐसा सहयोग करेगी जो जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में हो इस तरह से एक और एक यानी वन बाई वन का एक बैलेंस दिखा है इन दो राज्यों के चुनाव में हरियाणा में मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने जा रहा है और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस का एक -एक महाराष्ट्र और झारखंड इन दो राज्यों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन से लेकर के राजनीति के दलों के अपनी चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उसके बाद नंबर आएगा दिल्ली का फिर नंबर आएगा बिहार का तो इस तरह से आने वाले कुछ दिनों में अब एक नए रूप से समीकरण दोनों तरीके के गठबंधनों को बनाना होगा भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से अगर बात करें तो मार्च मई चौबीस के बाद मई जून में जब रिजल्ट आया और चार जून को जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बड़ बोलापन था अति आत्मविश्वास था कि एक अकेले वो सब पर भारी हैं वो ध्वस्त हो गया भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए बात दीगर है कि एनडीए अलायंस नीतीश कुमार और नायडू चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो गया और नरेंद्र मोदी कमजोर ही सही लेकिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने कमजोर का अर्थ है कि वह अब गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं दीगर बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दल ने प्रतिनिधि के रूप के में नरेंद्र मोदी का चयन नहीं हुआ विवाद उनके घर में था एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन किया गया और नीतीश और नायडू को अगल बगल बिठाया गया नीतीश कुमार को ढेर सारी सौगात बिहार में भेजी गई और चंद्रबाबू नायडू को भी करोड़ों रुपए की सौगात दी गई और जो मांगा नीतीश नायडू ने वो मिला और उससे भी आगे बढ़कर के मीडिया की खबर बताती है कि ईडी जो जिस आरोप में चंद्रबाबू नायडू दो महीने की सजा काट चुके थे सबूतों का अभाव बताते हुए चंद्रबाबू नायडू के ऊपर चलने वाले ईडी के मुकदमे को बंद कर दिया गया अब इससे अच्छा गठबंधन का फायदा क्या मिलेगा कि जिस आरोप में आप सजा काट चुके हो अब आपके वो आरोप से बरी कर दिया जाएगा सबूतों के अभाव में और तमाम तरह की चीजों में निष्पक्ष हो जाएंगे तो ये नीतीश नायडू और नरेंद्र मोदी का एक गठबंधन केंद्र में सरकार बनाए हुए तो जो आत्मविश्वास लोकसभा चुनाव के बाद दरक गया था वो आत्मविश्वास हासिल किया बीजेपी ने हरियाणा चुनाव जीतने के बाद और हरियाणा में चुनाव जीत गई बीजेपी लेकिन जम्मू कश्मीर में हार गई भारतीय जनता पार्टी की अपनी काम करने की शैली है कि जहां वो जीतेंगे वहीं वो बार बार शोर करेंगे हल्ला मचाएंगे जहां हार जाएंगे उस पर चर्चा ही नहीं होने देंगे लेकिन जम्मू कश्मीर ने आत्मविश्वास दिया इंडिया अलायंस को और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव जो इंडिया अलायंस के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल बन चुके हैं देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुके हैं लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसके सैतीस विधायक हैं यानी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस के सबसे मजबूत स्तंभ इंडिया अलायंस को निभाने वाले स्तंभ हमें याद रखना होगा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया कि वो इंडिया अलायंस से दूर जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के पहले उस अहम पड़ाव पर इंडिया अलायंस की तरफ से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हम कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर समझौता कर चुके हैं और बाकी पर बातचीत जारी है उत्तर प्रदेश वो राज्य था जिसने गठबंधन के रूप में इंडिया गठबंधन को एक मजबूती दी बात के दिनों में चल करके धीरे-धीरे वो गठबंधन मजबूत हुआ आम आदमी पार्टी से लेकर के ममता बनर्जी दक्षिण भारत में डीएमके से लेकर के महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे का गुट और शरद पवार का गुट ये सब मिलकर के इंडिया अलायंस को मजबूती देते चले गए उसके बाद जब हरियाणा चुनाव में बात नहीं बनी समाजवादी पार्टी कोशिश में लगी थी कि हरियाणा में एक या दो सीटें मिल जाएं तो जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उठपटांग बयान आ गया अरे भाई छोड़ो अखिलेश व अखिलेश कमलनाथ उसी तरह से हरियाणा में भी दुष भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंदर हुड्डा का बयान आ गया कि अखिलेश यादव और सपा का यहाँ कोई जनाधार बनाधार नहीं है इसी बात को आधार बना करके के आज जम्मू कश्मीर में जब अखिलेश यादव से मीडिया ने बात की तो अखिलेश यादव ने कहा कि जीती हुई बाजी हम हरियाणा में हार गए इससे हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक सबक सीखेंगे यह सीखेंगे कि हमसे कहाँ चूक हो गई और उसके बाद जब सवाल पूछा गया कि क्या आप आगे भी गठबंधन के साथ हैं बहुत मजबूती से उन्होंने कहा कि आज भी इंडिया गठबंधन का ये सरकार बन रही है हम आगे भी इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे महाराष्ट्र में हमारे एक समय में चार से छह विधायक होते थे आज भी हम कुछ इलाकों में बहुत मजबूत हैं हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ भी तालमेल बन जाए क्योंकि अभी भी वहाँ कुछ स्पष्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर कितनी सीटों पर कौन भारी पड़ रहा है इसलिए वहाँ भी अटका हुआ है लेकिन अखिलेश यादव ने एक पॉजिटिव सिंबल दिया कि हम वहां भी हम तो चाहते थे हरियाणा में भी गठबंधन हो जाए लेकिन नहीं हो पाया जैसे आम आदमी पार्टी भी चाहती थी कि हरियाणा में गठबंधन हो जाए और अगर आप पूरे चुनाव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि गठबंधन न होने से कुछ सीटों पर कुछ नुकसान इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी को हुआ इस तरह से हम देखें तो इस चीज को अखिलेश यादव ने इशारे में कहा कि हम उस गठबंधन के धर्म को निभाने में कहा चूके इसका विश्लेषण करने के लिए हरियाणा का चुनाव एक सबक है लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इससे ताकत और हिम्मत लेकर महाराष्ट्र में भी गठबंधन करेंगे क्योंकि वहां आप देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे का गुट वहां मामला फिफ्टी फिफ्टी है लोकसभा चुनाव में भी फिफ्टी फिफ्टी रहा हरियाणा में भी तो रहा दस सीटें बीजेपी जीती थी चौदह में भी उन्नीस में भी और पांच पांच सीटें जीती बीजेपी और कांग्रेस में डिवाइड हुई थी हरियाणा में और हरियाणा में पूरी वेब चल रही थी बीजेपी के खिलाफ कई तो बीजेपी के नेता आज तक ये नहीं मान पा रहे हैं कि हरियाणा जीत कैसे गए क्योंकि कुछ चूक इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हो गई अखिलेश यादव ने इसको इशारा किया कि वो चूक अगर न हो महाराष्ट्र में भी गठबंधन बने झारखंड में भी उन्होंने कहा कि वो पार्टी में सीटें कम हैं हमारे संगठन कम है लेकिन फिर भी आखिर में जाके अखिलेश यादव कहते गए हर जगह हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो क्या उपचुनावों में भी इसीलिए छह सीटों पर उत्तर प्रदेश के दस सीटों पर चुनाव उपचुनाव होने हैं जिसमें से छह पर सपा ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और सुनने में यह आ रहा है कि दो सीटें बाकी बची हुई चार में से कांग्रेस को जाएंगी और एक तालमेल बनेगा उपचुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं और सबसे बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ को, को जीतने की कोशिश करेगी और उस समय उसको यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब यह मामला यह कहां बनेगा कितना बनेगा कि वहां पर गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता है अबू आजमी का एक ट्वीट आया कि कोई भी गठबंधन की बातचीत तो अगर कोई जारी होती है जिसमें सपा यानी हमें बुलाया नहीं जाता है तो ये ठीक नहीं होगा और हर जगह हमने देखा है एक पैटर्न देखा है जो राज्य के पार्टियां हैं अखिलेश यादव के आज के बयान में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी मजबूती से लड़ी वहां बीजेपी हारी और यह बयान कई लोगों ने दिया और इस बयान के ठोस जमीनी आधार बन गए हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ये बयान दिया था कि जहां सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाता है वहां कांग्रेस चूक जा रही है एक तो ये पक्ष और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जैसे उत्तर प्रदेश में जीत गई समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी जीत हासिल करती हैं बंगाल में डीएमके जीतती है तमिलनाडु में महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर के बड़ी तादाद में अपना प्रभाव स्थापित करने में कामयाब होते हैं लेकिन कुछ जगहों पर क्षेत्रीय दल नहीं भी काम कर पाए जैसे बिहार दिल्ली और एकाध जगह पे लेकिन दीगर बात यह है कि हरियाणा चुनाव के बाद इस बात का विश्लेषण इंडिया गठबंधन में शुरू हो चुका है कि केंद्र के स्तर पर यानी राहुल गांधी आ, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में भी चाहते थे गठबंधन हरियाणा में भी चाहते थे गठबंधन कई राज्यों में चाहते थे गठबंधन लेकिन राज्य की कांग्रेस पार्टी के नेता उस गठबंधन में बाधा बनते हैं जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी तो अपनी अंदरूनी कला का शिकार हो गई और उसे मैनेज नहीं कर पाई और हारी हुई बाजी बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई हालांकि उसके कई और वजहें भी हैं तो जम्मू कश्मीर में जब इन नेताओं के मिलने की तस्वीरें आई इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी नजर आएंगे इन तस्वीरों में लेफ्ट पार्टी की तरफ से डी राजा से लेकर के प्रकाश करात भी नजर आएंगे इन तस्वीरों में सुप्रिया सुले से लेकर के राहुल गांधी अखिलेश यादव तमाम बड़े नेता इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री जितना मजबूत दिखी थी पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से इंडिया गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री फिर से एक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है और अगर क्षेत्रीय स्तर पर राज्य समितियां कांग्रेस की कुछ गड़बड़ न करें तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ी एका के साथ इंडिया एलाइंस, इन राज्यों के उपचुनावों में और विधानसभा चुनावों में एक नई रणनीति बनाने में कामयाब हो सकता है और वो नई रणनीति यही होगी कि छोटे छोटे दल जैसे कल्पना करें हरियाणा में जितना अहिरवाल बेल्ट थी अगर सपा को एक या दो सीटें भी मिल जाती तो उस अहिरवाल बेल्ट में जहां बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है उसमें कुछ डेंट लगता और कई सीटें ऐसी हारी है कांग्रेस 2000-4000 वोटों का अंतर रहा यह गठबंधन की चूक है अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में इशारा करते हुए यह केमिस्ट्री राहुल गांधी से साझा की और साझा करने के साथ बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए इन टॉप लीडरशिप में एक तरीका बनता जा रहा है जिसका असर महाराष्ट्र पर दिखना लाजमी है और फिर झारखंड में खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन उसी मजबूती के साथ खड़े हैं तो क्या इंडिया गठबंधन अब अपने सीटों के बंटवारे को नए रणनीति का आयाम देगा कई छोटे दलों को नाराज करने की बजाय क्षेत्रीय दलों को मजबूत रखने के साथ जो कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पक्ष है जहां जो मजबूत होगा हम उनका साथ देंगे जहां हम मजबूत होंगे वो हमारा साथ देंगे अखिलेश यादव ने साफ पैगाम दिया महाराष्ट्र में आप मजबूत हैं हम आपका साथ दे रहे हैं चंद नॉमिनल हमारा हक जितना बनता है उतना हमें मिले झारखंड में जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है तो जेएम को कांग्रेस साथ दे उसी तरह से जब दिल्ली का नंबर आए बिहार का नंबर आए तो वो तालमेल बनाए अगर इंडिया गठबंधन आने वाले कुछ दिनों में राज्यों के इन उपचुनावों को और खासकर विधानसभा चुनावों को इस कूटनीतिक रणनीति के साथ जिसका इशारा अखिलेश यादव ने किया जिसका इशारा बार बार राहुल गांधी अपने बयानों में करते रहे हैं ये तालमेल अगर राज्य की उनकी लीडरशिप मान ले और कोई चूक न करे एक दूरदर्शी समावेशी और सम्मानजनक अलायंस बनता चला जाए जिसका फायदा जम्मू कश्मीर की उन तस्वीरों से दिखा कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे किया गया अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ और सीटों पर चुनाव लड़ती तो जीत का अंतर और ज्यादा होता लेकिन कांग्रेस जीत का अंतर कम है वहां पर बात बीजेपी की क्या ही करें कि बीजेपी कैसे हवा हो गई और वहां उसके सारे दावे ध्वस्त हो गए क्योंकि इंडिया गठबंधन की रणनीति कामयाब हो गई अगर यह रणनीति आगे काम करती है तो राहुल अखिलेश की जोड़ी इंडिया गठबंधन का यह एकजुटता का मैसेज आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति को ठीक ठाक असर पैदा करने वाला है और अगर चूक हुई तो हरियाणा आज भी उसका एक सबक बना रहेगा आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फिर मिलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद